मैं अपाची RTR 160 है और वो भी 160 है। ऑनर से की बात करता हूँ, फर्स्ट ओनर है। 35,000 में पल्सर 220F, ये फर्स्ट पार्टी है और आपका 5 साल इंश्योरेंस मिलेगा। ऑनर 2018 का लास्ट है, आपका डबल लीस आएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए सेकंड हैंड डील लेके आ गया हूँ। सिर्फ ऑटो वर्क्स में आप लोग देख सकते हो, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो यहाँ बनाया हुआ, यहाँ मेरा सेकंड टाइम है। तो आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलता हूँ भैया के पास और डील को करते हैं शुरू। तो वीडियो पर बने रहना, वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं, नेगोशिएबल कहाँ तक हो जाएगी और लोकेशन सब कुछ मैं बना दूंगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू उसको देखते रहना। चलते भैया के पास, करते डील को शुरू। तो भैया कैसे आप, स्वागत है आपका हमारा फिर से यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी अच्छा अच्छा डील हम लोग आज दे देंगे आप लोगों को। 220 दिखला दूंगा, 2 हॉर्नेट दे दूंगा, 2 अपाची दे दूंगा। स्कूटी की वेरियंट हमेशा तो रहती है यहाँ पे और ज़्यादा टाइम ना करते डील को शुरू, खास 220 शुरू करते हैं। तो ऐसे भी हम लोग सबसे पहले शुरू करते कहाँ से, 220 से। 220 कौन सा क्या रहने वाली है? ये 2013 की है, 2013 की मॉडल है। और ऑनरशिप की बात करते हैं, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। किलोमीटर बता पाएंगे क्या? लगभग 30,000 चला हुआ, लगभग 30,000 चला हुआ है। और कितने साल का बोले? 2013 की, 2013 की गाड़ी है, लगभग 30,000 किलोमीटर चला। आप लोग देख सकते हो आस्किंग प्राइस क्या हो जाएगी इसका? 35,000। तो 35,000 में आ रही है, 35,000 में पल्सर 220F। आप लोग देख सकते हो पीछे का टायर नहीं लगी हुई है, एकदम नया है। और सामने के टायर की बात करो, सामने के टायर भी आप लोग नया ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आराम से आके इसको परचेस कर सकते हो, जो कि आ रही है आसनसोल नंबर WB44D। इसके बाद ये कौन सा? जिक्सर। हाँ, 2019 का लास्ट है। हाँ? आपका 2019 का लास्ट है, ये फर्स्ट पार्टी है और आपका 5 साल इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें से 62,000 रुपये पड़ेगा इसका। 62,000 दाम है, 62,000 पड़ेगा 2019 की सुजुकी जिक्सर। आप लोग देख सकते हो टायर की बात करें तो टायर आप लोग लगभग लगभग सही बोल सकते हैं। और पीछे के टायर की बात करें तो पीछे का टायर बिल्कुल नया है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मतलब पीछे का टायर आप लोग लोगे तो आराम से आप लोग इसको 12 से 15,000 किलोमीटर चला सकते हो। और सामने का टायर आप लोग को भाई सब चेंज करना पड़ेगा, मैं सब कुछ क्लियर ही बोल देता हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को प्रॉब्लम ना हो। आप लोग देख सकते हो गाड़ी चलाता। इसके बाद आते हैं हॉर्नेट, हॉर्नेट 2017 का लास्ट है, फर्स्ट पार्टी। आरसिम प्रेक 48 आएगा। लगभग कितना किलोमीटर चला होगा? लगभग आपकी वही 20 से 25,000 समथिंग चला होगा। 25,000 किलोमीटर चला होगा, आरसिम प्रेस क्या बोले? आपका 48,000 का, 48,000 48,000 में आ रही है हॉर्नेट। देख सकते हो होंडा हॉर्नेट। टायर की बात करें तो ये भी लगभग लगभग सही टायर पे आगे की। और पीछे के टायर में आप लोगों को बाद में भाई सब दिखा दूंगा, क्योंकि अभी बार बार मैं उधर से जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक ही बार पीछे टायर आप लोगों को दिखा दूंगा। इसके बाद फिर से आता हॉर्नेट, हॉर्नेट हॉर्नेट 2018 का लास्ट है, आपका डबल डिस आएगा इसमें, 53 पड़ेगा, 53,000 में आ रही है, फर्स्ट पार्टी है गाड़ी। सभी यहाँ पे फर्स्ट ओनरशिप है, ऑनर फर्स्ट ओनर गाड़ी है। आप लोग देख सकते हो हॉर्नेट या फिर अपाची 220 कुछ भी आप लोग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और टायर कंडीशन की बात करें तो टायर भी आप लोग अच्छा खासा मिलने वाला, आप लोग देख सकते हो। पीछे के टायर में दिखा दूंगा जैसे कि मैंने बोल दिया। अपाची RTR आपका BS4 है, 2019 का लास्ट है, ठीक है। और ABS मिलेगा इसमें, ABS मॉडल है, ठीक है। आरसिन पे 5 साल इंश्योरेंस मिलेगा, फर्स्ट पार्टी है, आपका 72 है, 70 में दे देगा। 72,000 आस्किंग प्राइस है, 70,000 में आ जाए। आप लोग देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन की बात करो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहने वाली है। और भैया किलोमीटर लगभग लगभग चला हुआ ही समथिंग 22,000 के आसपास, तो किलोमीटर ज़्यादा नहीं चला, 22,000 चला हुआ। आप लोग देख सकते हो सामने के टायर आप लोग अच्छी खासी मिल जाती है, पीछे के टायर में दिखा दूंगा। ये आपका 2018 का लास्ट है, BS6 मॉडल, BS4 मॉडल। और आपका इसका 65,000 रुपये एकदम लास्ट पड़ेगा, 65,000 लास्ट पड़ेगा जी, 65,000, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मैट ब्लू कलर में आ रही है, 65,000 में अपाची RTR 160 है और वो भी 160 है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ टायर लास्ट में एक बार अच्छे से। चैनल रहता है ना, तो हम लोग दुकान के
ये आपका 2016 का एवेंजर, 2016 का लास्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्टी है आपका 42,000 के आसपास आएगा। तो फर्स्ट पार्टी एवेंजर आप लोग देख सकते हो, 150 स्टड्स है। और टायर कंडीशन की बात करें तो भाई साहब पीछे आप लोग अच्छी खासी टायर मिल जाती है, नया टायर आप लोग बोल सकते हो। कितना एक्सिंग प्राइस बोले? 42,000, मतलब 42,000 में आ रही है, 42,000 में आ रही है। सामने का टायर आपको वही मैं बोलूँगा लगभग लगभग सही है, और पीछे का टायर सारी गाड़ी दो तीन गाड़ी का ही सामने का टायर आप लोगों को मतलब अभी भी चल जाएगी, ऐसा नहीं कि आप लोग चेंज करना पड़ेगा, आप लोग लेके कुछ महीने तक आराम से चला सकते हो। बाकी पीछे का टायर आप लोगों को नया मिलेगा सब गाड़ी की, और सामने का टायर सिर्फ सब गाड़ी की नया है, लेकिन कुछ कुछ गाड़ी के थोड़ा सा आपको घिसी हुई मिलती है, जो कि आप लोग कुछ दिन तक चला सकते हो, कुछ महीने तक आराम से। उसके बाद आते भी है स्कूटी पे, कौन सा क्या है? डेस्टिनी है हीरो का, आपको 5 साल इंश्योरेंस है, आपका 2019 का गाड़ी है, फर्स्ट पार्टी है आपका, ये आपको 45 तक छोड़ देंगे। 45 तक छोड़ देंगे, 2019 का गाड़ी है, फर्स्ट पार्टी है, मतलब फर्स्ट हैंड गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर में आ रही है। इसके बाद फिर से आते हैं होंडा, कौन है ये आपका? होंडा का ये आपका एविएटर है, जो कि गाड़ी बहुत अच्छा है। कौन से साल का आएगा? 2017 का लास्ट है। 2017 का लास्ट का, और आसमान प्राइस के बाद 38,000 फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, 38,000 में आ रही है। टायर भी आप लोग अच्छे खासे मिल जाएगा, दाग फागे सब हम करके देंगे, दाग मतलब ये सब जो स्क्रैच है वो आप हटा के देंगे ना, तो इनका खुद का वर्कशॉप वाला देख सकते हो, दाग सारा हटा के दे देंगे। उसके बाद फिर से आते हैं स्कूटी पे, ये आपका 2016 का है, प्लेजर है ना, हीरो? हाँ हाँ हीरो प्लेजर है, 2016 का फर्स्ट पार्टी है, ठीक है, 35,000। तो डबल कलर टोन के साथ आ रही है, वाइट एंड इसको पता नहीं कौन सा स्काई कलर शायद बोलते हैं, बट जो भी है कलर बहुत सही लग रहा है मेरे को, और आप लोग देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद आते भी है हीरो होंडा ग्लैमर, ये हीरो ग्लैमर 2019 का लास्ट है, 24 तक इंश्योरेंस है, ठीक है, और आपका फर्स्ट पार्टी है, 22,000 समथिंग चला हुआ, 58 पड़ेगा इसका, 58,000 में आप लोग सामने के ब्रांड न्यू टायर मिल जा रहे, लोग देख सकते हो। गाड़ी में कोई काम नहीं है, गाड़ी में अगर छोटा मोटा काम रहेगा वो हम कर सकते हैं, गाड़ी में छोटा मोटा काम रहेगा तो भैया करवा के दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे, अभी बारिश हुआ ना तो गाड़ी बारिश की वजह से जो भी लेता है यहाँ से गाड़ी सर्विस करके ही करके देते हैं। ये आपका 2018 का है ग्लैमर, 18 का ग्लैमर है, 48 का फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी 48,000 दाम है, 2018 का ग्लैमर है, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आते हैं वो क्या, पैशन प्रो 2018 का लास्ट है, ठीक है, वो 48 में आ जाएगा, 48 में आ जाएगा, 48 में आ जाएगा, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, 48 में आ जाएगा, आप देख सकते हो पैशन प्रो। साल की बात करो तो 2018 का लास्ट का गाड़ी है। इसके बाद कौन सा स्कूटी है? ये आपका एक्टिवा 125, ठीक है, एक्टिवा 125 है, ठीक है, गाड़ी फुल फ्रेश है, 11,000 चला किलोमीटर, 2016 का लास्ट है। और ओनर की बात करें तो फर्स्ट ओनर है, ये सेकेंड ओनर है, और आपका 40,000 रुपये दाम 38,000 में मिल जाएगा। तो 38,000 में आ रही है सेकंड ओनर गाड़ी, तो मैं जितनी भी गाड़ी आप लोगों को दिखाया सारा फर्स्ट ओनर था, यही एक फर्स्ट गाड़ी है जो सेकंड ओनर है, बट कंडीशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी कंडीशन आने वाली, टायर कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आते फिर से स्कूटी पे, ये हीरो का ड्यूट है, हीरो का ड्यूट है, हाँ, ये है जिसमें आपका 2016 का लास्ट है, आपका 33 पड़ेगा, 16 की लास्ट की गाड़ी है, 33 आ जाएगा, 33,000 ना। और सामने के टायर बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, आप लोग देख सकते हो। पीछे के टायर भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला मैं सब गाड़ी का पीछे का टायर अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, इसके पीछे के टायर आप लोग देख सकते हो स्कूटी के। अब ये भी सेल है क्या? ये भी सेल है, 2018 का, 2018 का है, मैस्ट्रो है ना, मैस्ट्रो एज है, ठीक है, समथिंग 22,000 चला हुआ है, और आपका 35,000 में दे देंगे, 35,000 में धोके पॉलिश वॉलिश करके सर्विसिंग करके 35,000 में आ जाएगी, आप लोग देख सकते हो टायर कंडीशन, पीछे के टायर कंडीशन भी आप लोग देख सकते हो। तो ये टूटने के पीछे के टायर आप लोग देख सकते हो, ये जो सुजुकी जिक्सर थी उसकी पीछे के टायर मैं एक बार दिखा देता हूँ, स्पेस की वजह से मैं तब दिखा नहीं पाया। और ये ऑरेंज एंड ब्लैक हॉर्नेट के पीछे के टायर आप लोग देख लो अच्छी कंडीशन है, ये ग्रीन एंड ब्लैक हॉर्नेट की टायर कंडीशन देख लो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये व्हाइट एंड रेड में जो अपाचे दिखलाया था मैंने उसकी टायर कंडीशन की बात करें तो पीछे की लगभग लगभग से आप लोग को मिल जाती है, और अपाचे ब्लू वाला का टायर भी आप लोग देख सकते हो। तो मैंने जितना भी डील था भैया के साथ मिलकर दिखा दिया, तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा ओनरशिप की, तो ओनरशिप मैंने तो बता दिया, बाकी भैया से पूछ रहे थे भैया लोकेशन क्या होने वाली इसकी? लोकेशन आपका इधर से आपका कालीबाड़ी से आइए तो आश्रम और शनि मंदिर का जस्ट आपका रिलायंस ट्रेंड्स का अपोजिट आएगा, ये सामने में TVS शोरूम है उसका अपोजिट में मेरा दुकान, बस स्टैंड से आएगा तो आपका ये आश्रम और शनि मंदिर का बस आके TVS शोरूम का अपोजिट में, मतलब वेस्ट बंगाल आसनसोल, मैं प्रॉपर लोकेशन बताता हूँ, वेस्ट बंगाल आसनसोल शनि मंदिर के पास है। अगर ब्लॉक बस स्टैंड से भी आओगे तो भैया कॉल कर लेना, और कॉल करने से लोकेशन समझा देंगे, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं।
तो मेरी वीडियो पे लोकेशन वोकेशन सब कुछ बताने के बाद भी मेरा बहुत सारा कमेंट आता है कि भाई लोकेशन क्या है, नंबर क्या है। नंबर आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो। बाकी आप लोग को कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप लोग आगे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। और भैया फाइनेंस तो नहीं होगा यहाँ पे? नहीं फाइनेंस नहीं, सिर्फ जो होगा हार्ड कैश होगा, आप लोग फाइनेंस नहीं मिलेगा। तो आज का डील को यहीं पे करते हैं एंड। अगर डील अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। अगर आप लोग ट्रैक्टर की वीडियो देखनी है, सेकंड ट्रैक्टर ऊपर वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग यही मतलब यही शोरूम की आप लोग पिछला वीडियो का देखना है तो नीचे वाला वीडियो आप लोग जा सकते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।